सीआरपीएफ लगाने के बाद भी और यहाँ सीआरपीएफ तो यहाँ गेट तक पहुँच के गेट को तोड़ दिया तक भी वो हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं गिरा सके, तो इसके पीछे हिमाचल की जनता का आशीर्वाद है, आम लोगों का आशीर्वाद है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन ये जो लोगों का कहना है कि आप जो है एक जो अनपॉपुलैरिटी है आपकी, ये वजह बन रही क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरह से हारे, तो यू कुड नॉट मैनेज योर फ्लॉक टुगेदर। देखिए, कुछ विधायकों की राजनीतिक इच्छा थी, सभी विधायकों की राजनीतिक इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, और कुछ जगह प्रलोभन था। उसमें से एक MLA ने तो बड़े दुखी मन से कहा कि मुझसे गलती हो गई, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी का फ्लॉक है वो अभी इकट्ठा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की 5 साल सरकार चलेगी। सर, ध्वनिमत से आपने बजट पास करवा दिया है, तो इसका क्या मायने माना जाए कि जो कॉन्फिडेंस है जो सरकार के लिए बोला जा रहा है वो आप लोगों के पास अभी भी है? मतलब जो MLAs हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ MLAs आपके साथ है? आप मुझे बताइए, 6 MLOs को निकाल कर फिर भी 34 MLA कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो 25 विधायक है, तो मेजोरिटी किसके पास हुई? हमारे पास हुई ना, कि उनके पास हुई? वो किस प्रकार की मेजोरिटी की बात कर रहे हैं? और जब हमने उन 9 MLOs को तो नहीं निकाला था, जो 9 MLA जिसमें 6 कांग्रेस के थे, 3 इंडिपेंडेंट, वो क्यों नहीं आए बजट में? वो क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते? तो अब आगे का क्या रास्ता रहेगा सर? आगे का क्या रास्ता, आगे जनता की सेवा करेंगे और क्या रास्ता? तो मतलब आज हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में एक अकेली स्टेट थी हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की, वो अभी बरकरार है? देखिए, कांग्रेस की सरकार बरकरार है, कांग्रेस के विधायक एकजुट है, और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की लोगों की सेवा करने के लिए हम 5 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।